हरे कृष्णा, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति के बारे में बताऊंगी। सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। इसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए यह सभी नक्षत्रों से आगे रहता है। यह कृष्ण पक्ष में जब सूर्य का जैसे चंद्रमा का हम गति मानते हैं, तो चंद्रमा की जो 1 month पीरियड होता है उसमें 15 days कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 days शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष के जो डेज होते हैं उसके अंदर जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो जो कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घट रहा होता है और उसकी कलाएं कम हो रही होती हैं, उस समय क्षीण होती हुई कलाओं के साथ वो पितृगण के, और शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है अमावस्या के बाद, जब चंद्रमा वापस बढ़ना शुरू होता है, पूर्णमासी तक वो कंप्लीट पूरा हो जाता है, तो वो वाले जो 15 days हैं वो शुक्ल पक्ष के माने जाते हैं। तो उस शुक्ल पक्ष के अंदर जो उसकी कलाएं हैं वो बढ़ रही होती हैं, तो वो शुक्ल पक्ष की कलाओं के साथ बढ़ते हुए जो चंद्रमा है वो देवताओं के दिन और रात निर्धारित करता है। मतलब कृष्ण पक्ष में घटते हुए कलाओं के साथ वो पितृगण की, और शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ती हुई कलाओं के साथ वो देवताओं के दिन और रात निर्धारित करता है। तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है चंद्रमा। इसके बाद चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाई ओर रखकर घूमते रहते हैं। मतलब ये जो 28 जो नक्षत्र हैं, ये जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत के भी मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में बताऊंगी कहाँ ये लोकेटेड है और कैसे कैसे इसका वो चलता है। तो मेरु पर्वत जो है, मेरु पर्वत को जितने भी 28 नक्षत्र हैं, जैसे ये मेरु पर्वत है तो मेरु पर्वत को वो अपने राइट हैंड साइड करके चलते हैं। राइट हैंड साइड करके मतलब, जैसे अगर सपोज ये सारे 28 नक्षत्र हैं तो वो राइट हैंड साइड यहाँ इस साइड आएंगे, मेरु पर्वत उनके राइट हैंड साइड होगा, उसके बाद वो ऐसे करके घूमेंगे। तो उसका मतलब जो नक्षत्र हैं मेरु पर्वत के वो क्लॉकवाइज इस तरह से घूमते हैं। नक्षत्रों से 28 जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की गति के अनुसार कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए सर्वदा अनुकूल ही रहता है। शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा का पुत्र बुध है। यह प्रायः मंगलकारी ही माना जाता है, किंतु यह सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है। मतलब सूर्य की जो गति है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे की भय की सूचना देता है। जब जब ये सूर्य की गति के एंटी चलते हैं, तब तक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। यह यदि वक्र गति से ना चलता हो तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशि को पार करता है। यह प्रायः अशुभ ग्रह माना जाता है और प्रायः अमंगल का सूचक होता है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं और यह प्रायः ब्राह्मण कुल को के अनुकूल होते हैं। बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक होते हैं। जैसे कि शनि के लिए और मंगल के लिए से मैंने अशांति कारक है, अमंगल है, अशुभ है, ये भागवत में लिखा हुआ है और ये ग्रह और नक्षत्र के बारे में जनरली ऐसा कहा जाता है, तो जो लिखा हुआ है मैं आपको वही बता रही हूँ। राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। शनि राशि जो है इनको 30 वर्ष लगते हैं राशियों को पार करने में। उसके बाद फिर शनि से 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि हैं। जो कश्यप आदि सप्तऋषि हैं वो सारे के सारे ऋषि शनि के ऊपर आते हैं। ये सब लोगों को की मंगल कामना करने हेतु भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रतीक्षा करते रहते हैं।
सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है और ध्रुव लोक हमेशा एक ही स्थान पर रहकर प्रकाशित होता है और भगवान ने ध्रुव लोक को एक सेंटर बनाकर ऐसा बनाया कि वो सेंटर है और उसके आसपास सारे ग्रह और नक्षत्र उसके आसपास ही रोटेट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो मैंने सारी चीजें बताई हैं ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में वो आपको अच्छी लगी होंगी। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।